हेलो, कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजी। कल हम थोड़ा बेसिक पढ़ा था, ठीक है। पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिर थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ कौन से टाइप्स ऑफ टिश्यू है ना प्लांट्स के अंदर, ये रहे ना टाइप्स ऑफ टिश्यू तक पहुँच गए थे। तो हमने देखा था कि बेसिकली फंक्शंस के बेस पर, काम के बेस पर तीन तरह से टिश्यूज क्लासीफाई किया गया। प्रोटेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज पढ़ते हैं जरा आज हम। तो क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? सेल्स विद थिक वॉल्स, यानी कि ये वोट, ये ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनकी वॉल्स क्या थिक होते हैं, जिनकी वॉल्स क्या थिक होती हैं। और सर ये मिलते कहाँ पर है? फाउंड ऑन द सरफेस, बिल्कुल सरफेस पर, बिल्कुल बाहर सतह पर, बिल्कुल बाहर सतह पर, ठीक है। क्योंकि तब तो हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, शरीर के अंदर होंगे तो फिर कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर होंगे शरीर के तभी तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो कहाँ पर मिलते हैं? फाउंड ऑन द सरफेस। तो कहाँ कहाँ पर प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं मेन पार्ट? रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए मेन पार्ट, ठीक है। लॉजिक ध्यान रखना है, सरफेस का लॉजिक क्या है, क्योंकि प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? बाहर से प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर के मतलब हमारी स्किन, स्किन को क्या बोलेंगे? सरफेस। वो स्किन क्या करेगा? सरफेस ही तो है। एग्जाम्पल, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। एपिडर्मिस क्या है? एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का नाम ही है, जो तो लीव्स के अंदर होता है। विच सैक्रेट्स आर वैक्सी वाटर प्रूफ मटेरियल, जो क्या करते हैं? वैक्सीन वाटर प्रूफ मटेरियल को लीव करते हैं, सैक्रेट मतलब निकालना निकालना। फिर कह रहा है कॉर्क सेल्स इन द बॉक्स कंटेन अंडर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल। पता नहीं यहाँ पे क्या इन्होंने एग्जाम्पल है, बस ध्यान रखो उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए। एक एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ये नाम है एक पर्टिकुलर टिश्यू का। उन्होंने नाम भी बता दिया कि एपिडर्मिस जो है ये क्या काम करता है, तो एक काम करता है एक वैक्सीन वाटर प्रूफ मटेरियल निकालने का, ठीक है। फिर एक और होता है कॉर्क सेल्स, जो क्या होता है जो कहाँ पर होता है? इन दी बार्क है ना, बार्क है ना। अब वो भी क्या कंटेन करता है? स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल कंटेन करता है, ठीक है। तो दो प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम आपने उन्होंने उनके काम भी बता दिए थोड़े थोड़े, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू, सर डिटेल में पढ़िए प्रोटेक्टिव को, जितना बुक में दिया ना उतना पढ़ते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इतना पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बुक में और प्रोटेक्टिव के अंदर अगर डिटेल नहीं दिए तो हम डिटेल में नहीं जा रहे, जितना सिलेबस पढ़ाएगा उतना ही पढ़ते जाते हैं। हाँ, जो रियल लाइफ से जरूरी होता है वो हम डिस्कस कर लेंगे, अगर मेरे दिमाग में कुछ आता है ऐसा। तो रिकॉर्डिंग हो गया, हो रही है। सपोर्टिंग टिशू इज अ सेवरल टाइप्स, वगैरह सपोर्टिंग टिशू कब से टाइप्स होते हैं? इंपॉर्टेंटली अगर बात करें तो पेरेंकाइमा, यानी यहाँ पे भी थ्री, यहाँ पे भी सारे नहीं बता रहे, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेंट काइमा की बात करते हैं, पेरेंट काइमा सपोर्टिंग, तो पेरेंट काइमा सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स से बने होते हैं, ऐसे सेल्स से बने होते हैं जो लार्ज हों और जिनकी वॉल थिन हो, ठीक है। और ये सेल्स या फिर जो टिश्यू एक शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, या सर्कुलर शेप में मिलेगा, या आपको पॉलीगोनल शेप में आपको मिलेगा, ठीक है। यूजुअली सिंगल लार्ज वेहिकल इज प्रेजेंट, हाँ इनके अंदर क्या होता है एक बहुत बड़ा क्या होता है, यूजुअली एक सिंगल लार्ज क्या होता है वेहिकल प्रेजेंट होता है। फिगर 3.2 में आपको दिखा रहे हैं, ये एक तो बॉल देखो, बॉल बॉल कैसे दिखाऊँ मैं आपको, बॉल दिखा दी, बॉल कितनी थिन है, कितनी थिन है, कितनी थिन है, ठीक है। वैक्यूल आई थिंक ये किसको कहते हैं, हाँ कहाँ गए, बोलते हैं पेरिफेरियम पे, बोलते हैं पेरिफेरियम पे, बोलते हैं वैक्यूल बोलते हैं। एक पार्ट होता है मतलब ऐसे एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बेसिकली। ये क्या है? ये फल का एग्जांपल देखिए समझा रहे हैं आपको, फल में बेसिकली वेजिटेबल है, उसका एग्जांपल देखिए आपको समझा रहे हैं।
फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये कहाँ पे मिलता है वैक्यूल? ये वैक्यूल आपको कहाँ मिलता है? सॉफ्ट पार्ट्स में मिलता है, सॉफ्ट पार्ट्स में मिलता है। सबसे इन दी कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स मतलब बाहर का एरिया, और इन दी पिच, पिच वाला बीच का एरिया। ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ पर मिलते हैं एग्जाम्पल दे रहे हो, जैसे बता दो सॉफ्ट पार्ट और शॉर्ट पार्ट की एग्जाम्पल क्या होती है। इन द कॉर्टेक्स और इन द पिच, इनके मीनिंग क्या है? इनके मीनिंग आपको याद देखने पड़ेंगे। कॉर्टेक्स मतलब बाहर का एरिया, पिच मतलब बीच का एरिया, सेंट्रल और आउटर, है ना। एंड मे स्टोर फूड एज इन बटेटो। वो कह रहे हैं ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ये बेसिकली क्या काम करते हैं? फूड को स्टोर करने का काम करते हैं एज इन पोटेटो। एग्जाम्पल देने इनका काम करते हैं, ये खाना स्टोर करने का काम करते हैं, इसलिए पोटेटोज में करते हैं। प्रोवाइड टेम्प्रेरी सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट्स को टेम्प्रेरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सम पेरेन्काइमेटस सेल्स पर्टिकुलरली इन लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड आर टर्म्ड क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हेल्प द लीफ टू प्रोड्यूस फूड बाय सिंथेसिस। क्या लिखा हुआ है इसका, क्या कह रहा है? पेरेन्काइमेटस जो सेल होते हैं, पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर होते हैं? लीफ में होते हैं, लीफ में होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लीफ ये क्या कंटेन करते हैं? ये अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स को हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो क्लोरेन्काइमा कैसे बोलते हैं और किसको नहीं? सॉरी, क्लोरेन्काइमा भी नहीं बोलते इसको, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट को भी हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। सर क्लोरेन्काइमा क्या होता है? एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। लीफ का जो ग्रीन कलर भी होता है ना वो भी इसी की वजह से होता है, लीफ का जो ग्रीन कलर होता है ना वो भी इसी की वजह से होता है। और सर ये क्या हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरेन्काइमा? ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस में उनकी खाना बनाने में हेल्प करता है। किसकी? लीफ की। ठीक है, कोरेनकाइमा, एक हिंट उन्होंने दे दी, कोरेन का मतलब है ग्लू, हिंट थोड़ी सी दे दी, पर क्या है सर इसका मैंने पढ़ते हैं फिर बताते हैं। मेड अप ऑफ सेल्स विच आर एलोंगेटेड एंड द सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर्स, यानी सर इतना लॉन्ग होते हैं ये, जिनसे भी सेल जिन सेल्स से बनते हैं कोरेनकाइमा टिश्यूज, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं। ठीक है, उनकी जब वॉल होती है सेल वॉल वो काफी थिक होती है, एट द कॉर्नर यानी कॉर्नर के साइड में काफी थिक होती है। ये आपको दिखाई गई है, ठीक है, दिखा रहा है आपको। इट इज फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स, ये काफी मिलती है लीफ के स्टॉक्स में मिलती हैं, एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, और अगर स्टेम में देख रहे हैं तो एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर। अच्छा, एपिडर्मिस के अंदर मतलब क्या? एपिडर्मिस तो अब वो स्किन हो गई, हाँ तब उस स्किन को काटोगे या फिर निकालोगे, कैसे भी छीलोगे उसको, कुछ भी करोगे तो जो दिखता है फिर वो दिखेंगे आपको, ये कोलेनकाइमा। दैट इज टू हेल्प टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये क्या करते हैं प्लांट को सपोर्ट देते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सर नाम का मीनिंग बता रहे हैं। स्क्लेरोस का मीनिंग क्या होता है? हार्ड। स्क्लेरोस का मीनिंग क्या होता है? हार्ड। कंपोज ऑफ लॉन्ग, सर ये लॉन्ग होती हैं, एक तो ये नैरो भी होती हैं, ये थिक नहीं होती हैं, नैरो सेल्स से बने होते हैं। बिसे बिकम डेड, जो कि क्या हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं, वो होंगे नहीं, हो चुके हैं। दिस सेल्स डेवलप वेरी थिक वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सर क्योंकि ये डेड हो चुके हैं, अब सारे डेड होके एक जगह पर डिपॉजिट होते रहेंगे, डिपॉजिट होते रहेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वॉल ये क्या कर डेवलप करते हैं, बहुत थिक वॉल्स, फिर एक थिक वॉल्स क्रिएट कर देते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। दैट इज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, ये क्या करता है प्लांट के पार्ट्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज फाउंड इन द स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीफ, ये स्टेम्स में और वेन लीफ के वेन्स में ये मिलते हैं। ठीक है, लीफ देते हैं, स्टेम्स देते हैं, लॉन्ग फुट सेक्शन देते हैं, क्रॉस सेक्शन देते हैं, क्योंकि सारे के सारे जितनी भी हैं वो सब एक एक तरह की सेल से मिलकर बनती हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे, ऊपर तो खत्म हो गया,
यानी प्रोटेक्टिव हो गया, सपोर्टिंग टिश्यूज हो गया, अब आएगा कंडक्टिव। तो उससे पहले मुझे बताना चाहिए फाइबर्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में, रोप्स, मैट्स एंड सर्टेन टेक्सचर्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स सच एज दोस ऑफ लिनन एंड हेम्प। ठीक है, ये बता रहे हैं, आपको पता होगा दिस फाइबर आर द स्केलेटन काइमा सेल्स। वो कह रहे हैं ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये स्केलेटन काइमा सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सपोर्ट देती हैं। अगर रोप ना हो, मैट में फाइबर ना हो, तो वो कैसे आप उसको यूज कर लोगे, या फिर वो कैसे आप उसको मतलब यूज में ला पाओगे, क्या सपोर्ट दे रहा है वो, तब आप उसको यूज कर पाओगे। द हार्ड वॉलनट सेल्स एंड द ग्रेटे मासेस इन द स्किन एंड द पल्प ऑफ पियर्स आर मेड अप ऑफ स्केलेटन काइमा सेल्स हेयर नोन एज स्टोन सेल्स। ओहो, यानी हर जगह पर अलग अलग नाम के ले आते हैं, वहां पर उनको फाइबर कहा जाता है, लेकिन अगर ये हार्ड फॉर्म में वॉलनट के सेल्स में प्रेजेंट है, या हमारी स्किन के ऊपर ग्रिटी फॉर्म में, ग्रिटी मतलब बहुत ज़्यादा है, या फिर पियर्स के पल्प में है, पियर्स के पल्प में अगर ये प्रेजेंट है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, स्टोन सेल्स। उसको क्या बोलेंगे, स्टोन सेल्स, नाम चेंज हो जाएगा। यानी है एक ही चीज़, अगर हम इन टेक्सटाइल्स में यूज़ करते हैं तो उसको फाइबर बोलेंगे, अगर हम और कहीं यूज़ करें वो भी एज अ हार्ड फॉर्म, वो भी एज अ हार्ड फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन्स बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपके में डिटेल में है नहीं, आई थिंक ये कराने के बाद वो आपको हाँ एनिमल टिश्यू स्टार्ट करा देंगे। करा दिया एनिमल टिश्यू भी दिया है, काम डिटेल में नहीं दिया हुआ। हाँ एनिमल टिश्यू आपको डिटेल में दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, पर हाँ ये ठीक है, एनिमल टिश्यू आपको ज़्यादा दे रखी है। अब पता है आपको एक चीज़ बताऊँ, काम की 8th क्लास में, 8th में नहीं ना, 7th क्लास का दिमाग का चैप्टर 1 है ना बायो का, और जो आपका है कंटेंट दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, उसका 7th क्लास, उसका आपका 9th क्लास का, ये साइड से ऑलरेडी पढ़ चुकी है, याद नहीं होगा, बहुत अलग है पर सारा सिलेबस सेम है, सारा, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है और उस कंटेंट को लिखने का तरीका भी डिफरेंट है, और कुछ नहीं है। कंडक्टिंग टिश्यूज, इनको और भी क्या बोलता है, वस्कुलर टिश्यूज भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड अर्थ पैसेस फॉर वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल, यानी कि फूड की बात कर रहा है, यानी एक रास्ता प्रोवाइड कराते हैं पानी को और खाने को, ताकि वो प्लांट्स के ऊपर नीचे जाता रहे, एक रास्ता ऐसा प्रोवाइड कराते हैं। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, इसको भी यानी इस कंडक्टिव टिश्यूज के अंदर दो चीज होते हैं, मेनली दो पार्ट होते हैं जो ये काम करते हैं, जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ये जाइलम, जाइलम क्या होता है, एलोंगेटेड एंड थिक वॉल्ट वाला सेल होता है। ठीक है, दिस सेल्स आर समवट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज, ये ट्यूबुलर शेप में होते हैं, यानी होता तो रास्ता ये, लेकिन ट्यूबुलर शेप में होता है। ठीक है, दे प्रोवाइड फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ये क्या काम काम करता है, नीचे से ऊपर लेने का काम करता है, नीचे से ऊपर लेने का काम करता है, चाहे वाटर हो चाहे फूड हो। ओल्डर जाइलम, यानी उसको जाइलो को वुड बोलते हैं, वुड है ना, ओल्डर जाइलम टिश्यू फॉर्म्स ऑफ वुड, तो जो पुराने जाइलम हो जाते हैं ना वो क्या करते हैं, वुड फॉर्म करते हैं एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करते, ट्रांसपोर्ट मतलब खाना ऊपर ले आने में हेल्प नहीं करते। यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री, आपको पता है ये चीज़ कैसे, बाय काउंटिंग द इट्स एनुअल रिंग्स विच एक्चुअली आर, मतलब एक प्लांट है, मैं आपको कैसे दिखाऊँ, यहाँ पे तो प्लांट है, हाँ ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये लाइनें काउंट करना है, ऐसी लाइनें होती है ना, उसको कट करोगे तो उसके ऊपर ऐसे बहुत सारी लाइनें होंगी, ये लाइनों को काउंट करना, जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी, जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी उतनी उस ट्री की होगी एज होगी, उतनी उस ट्री की होगी एज होगी। इससे काउंट करना ईजी है क्या, नहीं बहुत ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बल्कि जैसे लाइनें बहुत क्लोज क्लोज होती हैं, वैसे एक्चुअली आर जालम। अब वो कह रहा है जो कि बेसिल क्या होती है, वो लिंक्स क्या होती है, बिल्कुल जाइलम लिंक्स होती हैं, यानी वही जाइलम ही होती हैं, ओल्ड जाइलम है ना। द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रेचेट ट्रेचेट्स एंड वेसल्स, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ट्रेचेट्स एंड वेसल्स से, फिर जाइलम पेरेंकाइमा से भी और जाइलम फाइबर से भी, इन चार चीज़ें होती हैं इस टिश्यू के अंदर भी। ठीक है, इसे अब इन दोनों को मिलाकर हम पता है कलेक्टिवली और क्या बोलते हैं, ट्रेचरी एलिमेंट्स, ट्रेचरी एलिमेंट्स, तो अभी आपको समझना है, आपको इनको अलग अलग समझो कि जाइलम टिश्यू के अंदर भी चार पार्ट होते हैं बेसिकली। पहला पार्ट ट्रेचेट्स, ट्रेचेट्स
स्ट्रेचेड और मेड अप ऑफ एलोंगेटेड डेड सेल्स, सारे एलोंग लॉन्ग ही होंगे, सारे लॉन्ग ही होंगे। पता है लॉन्ग क्यों? क्योंकि जब कलेक्टिवली, जब ये कलेक्टिवली लॉन्ग है तो अंदर के पार्ट्स भी तो लॉन्ग ही होने चाहिए, क्योंकि जब अंदर के पार्ट लॉन्ग है तब तो ऊपर का पार्ट लॉन्ग बनेगा। तो वही लॉजिक है। स्ट्रेचेड आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड डेड सेल्स, ठीक है, लॉन्ग डेड सेल्स से मिलकर बना होता है विद लार्ज कैविटीज, और इसके पास इनमें काफ़ी सारी कैविटीज भी होती हैं बिना एनी कंटेंट के, बिना एनी कंटेंट के। दिस सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, इनको सेल्स को कैसे रखा जाता है एंड टू एंड, एक कौन से लेकर दूसरे कौन से रखा जाता है, फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब, और जिससे कि हमसे एक ट्यूब बनता है। दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल्स, इनके पास क्या होता है हाईली लिग्निफाइड क्या होता है सेल वॉल्स होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनेस इन देयर वॉल्स, ये अपने अंदर थिकनेस को बढ़ाकर, थिकनेस को ग्रो करके ये करते हैं एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट कैसा बेसिकली, अब थिक, अब ये थोड़े थिक हो गए, थिक हो गए तो पानी इसलिए इजिली जा पाएगा, और पानी जाएगा तो ये टूटेंगे भी नहीं, तो ये रास्ते ख़राब भी नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं इजिली। अगर बहुत तो थिन होंगे तो वो टूटने का डर रहता है उस रास्ते का, तो वो देखा है जैनम वेसल्स और इनको या फिर कलेक्टिवली अब ट्रेचे है ना, ये भी क्या होते हैं लॉन्ग ट्यूब होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर से मेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली का यूज किया जाता है। एंड डिजॉल्व मिनरल्स, और डिजॉल्व मिनरल्स को दे आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड, ये भी कहाँ पर होते हैं एंड टू एंड होते हैं। देयर सेल्स सेल वॉल्स आर क्वाइट हार्ड एंड थिक एंड लिग्निफाइड, कभी हार्ड होते हैं कभी थिक होते हैं कभी लिग्निफाइड होते हैं। ट्रांसवर्स वॉल्स गेट डिजॉल्व एंड मेक अ कंटिन्यूस वाटर पाइप, इनके जो ट्रांसवर्स वॉल्स होते हैं या अपोजिट जो वॉल्स होती है वो क्या करते हैं डिजॉल्व हो जाती है, अब वो क्या करते हैं एक कंटिन्यूस फॉर्म में एक वाटर पाइप बना देती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद जाइलम, ठीक है, वो कह रहे हैं जो जाइलम पेरेन्काइमा होती है वो लिविंग सेल्स से कंसिस्ट होती है ना, लिविंग सेल्स से मिलकर बनी होती है, जो कि किससे एसोसिएटेड होते हैं जाइलम से। ऑब्वियसली सारे के सारे जो हैं हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सारे जाइलम से एसोसिएटेड हैं। दीज सेल्स सर्व फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ये सेल्स का काम करता है ये खाने को स्टोर करने का काम करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और वो एक काम करता है वाटर को और मिनरल्स को ऊपर आने का भी काम भी करता है, दोनों काम करता है बेसिकली, ठीक है। जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डेड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, ये किस होते हैं डेड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। देर थिक वर्ल्ड भी थिक होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं। टेपरिंग एंड, इनका भी एंड कैसा होता है पाइप जैसा, टेपरिंग एंड इनका होता है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू देयर प्लांट, तो ये भी इनका भी काम क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फ्लोएम उसका मीनिंग क्या होता है, उसको लैटिन लैंग्वेज का होता है फ्लूज, क्या बोलते हैं फ्लूज, उसका मीनिंग क्या होता है बार्क, उसका मीनिंग क्या होता है बार्क, उसका मीनिंग क्या होता है बार्क। फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं रास्ता फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि सब ऊपर जाते हैं और ये नीचे लेके आते हैं, ये नीचे लेके आते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ। खाना बन के आया, खाना लीव्स में बनाया तो लीव से सीधे ऊपर नहीं आता, लीव्स से पहले नीचे आता है फिर नीचे से बाद में ऊपर जाता है, ठीक है, टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी ऊपर से नीचे, अगर सॉरी ऊपर से आते हुए अगर कोई प्लांट्स मिलता है तो प्लांट का एरिया मिलता है तो वहाँ से सीधे सीधे देते हुए आते हैं, लेकिन अगर हम सॉइल में से कुछ न्यूट्रिशन मिला तो उसको फिर हम नीचे से ऊपर ले जाने के लिए किसके यूज़ करते हैं जाइलम का, बल्कि जाइलम को हम यूज़ नहीं करते वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, हम यूज़ नहीं करते, तो नेचुरल चीज़ है ना, जो हम यूज़ नहीं करते वो अपने आप काम करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टुवर्ड्स ग्रोइंग न्यू लीव्स, ओहो सर ये ऊपर भी काम ले जाता है, हाँ ऊपर भी ले जाता है, ये ऊपर भी ले जाता है लेकिन केवल किनके लिए, केवल किसके लिए और ग्रोइंग लीव्स, अगर कोई न्यू लीव्स ग्रो हो रही है तो उनको खाना देने के लिए नीचे से ऊपर भी चला जाएगा। द फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर, पाँच चीज़ होंगी, तो एक दो तीन चार हो गए, चार चीज़ उसमें बना होता है, देखते हैं उसमें दिया नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है ये कुछ सी प्लेट दी हुई दिखा रहे हैं आपको, कंपेनियन सेल आपको दिखा रहे हैं, सीव सेल आपको दिखा रहे हैं, और इसी स्लेब के ऊपर जो है उसको प्लेट बोल दिया उन्होंने, ये गेरा सीव सेल आपका, फ्लोएम पेरेन्काइमा आपका, सीपिट्स सिली सी पे प्लेट फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल, ठीक है, ऐसा चीज़ें हैं। सीव ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल एलोंगेटेड सेल्स प्लेस एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है,
ट्रांसवर्स वॉल्स यानी इसके जस्ट अपोजिट वाली जो वॉल्स होती हैं वॉल्स कॉल्ड सी प्लेट्स, यानी इनके जो बिल्कुल ऊपर इनकी जो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सी प्लेट्स बोलते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी वो लीव से स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ अदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लेने में हेल्प करती है। कंपेनियन सेल्स लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब सेल्स, यानी एक ऐसे कंपेनियन से ऐसे सेल्स हैं ऐसे लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि होते हैं बहुत क्लोज होते हैं किसके, बहुत क्लोजली जुड़े होते हैं किसके, सीव ट्यूब सेल्स से। ठीक है, एंड दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स, और वो क्या काम करते हैं, वो क्या ये क्या काम कर रहे हैं, सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं परमानेंट पड़े हैं उनकी वर्किंग सही हो रही नहीं हो रही, उनकी फंक्शन सही हो रही नहीं हो रही है उसमें हेल्प करते हैं बेसिकली उनकी फंक्शनिंग में। फ्लोएम पेरेंकाइमा इज अ पेरेंकाइमेटस टिश्यू, ये कैसा टिश्यू है, पेरेंकाइमेटस टिश्यू है जो कहाँ पर मिलता है, फ्लोएम के अंदर मिलता है बिल्कुल, मेनली कंसर्व्ड इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, क्योंकि क्या कहता है कि स्टार्च को फैट को अदर तरीके के ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को क्या करके रखता है, अदर स्टोर करके रखता है। फ्लोएम फाइबर्स आर स्पेरेंकाइमेटस सेल्स फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लोएम, ठीक है कोई बात नहीं, दे मेनली प्रोवाइड सपोर्ट, इनका मेनली काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। देखो जाइलम फ्लोएम कलेक्टिवली फॉर्म द वस्कुलर बंडल, हाँ अब ये मैं आपको समझा रहा था, इन दोनों कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल बोलते हैं, तो उसको नाम हमने और भी क्या नाम देते हैं, कंडक्टिव टिश्यूज को वस्कुलर फॉर्म, उनको कंबाइन करके वस्कुलर बंडल बोला जाता है। द वेन्स ऑफ लीव्स आर एग्जाम्पल, वो कह रहे कुछ एग्जाम्पल लो लीव की वेन्स देखो लीव्स की वस्कुलर बंडल, सॉरी वो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कह रहे जो वेन्स ऑफ लीव्स है ना लीव्स की जो वीन्स होती हैं वीन्स इसके लिए वो वस्कुलर बंडल का एग्जाम्पल है। ठीक है, दे आर इन कंटिन्यूटी विद दी कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ स्टेमेन रूट, वो कह रहे हैं दे आर कंटिन्यूटी, दे आर इन कंटिन्यूटी विद दी कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ स्टेमेन रूट, तो वो कह रहे हैं ये हमारी ना कंटिन्यूसली काम करती रहती है, किस काम करती रहती है स्टेमेन रूट के साथ, क्या कहते हैं ये कंटिन्यूस रहती है उनके साथ ये रहती है। ठीक है, द अब आपको टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑल्सो टर्म्ड एज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, इनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं, बींग मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट। ठीक है, प्रोग्रेस बुक बाद में मतलब देखो और बताओ, व्हाट आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, गिव अ टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग, अच्छा बाद में लिखेंगे पहले व्हाट आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, दो टाइप बताओ प्लांट टिश्यूज में बेसिकली होमवर्क करना। द कैटेगरी ऑफ प्लांट टिश्यूज दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, पता नहीं डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग पता नहीं, अब ध्यान रखना। द काइंड ऑफ प्लांट है सेल्स विद थिन वॉल्स एंड यूजुअली सिंगल लार्ज वॉल, पता नहीं क्या है ये देख लेना है, मुझे तो पता है थोड़ी बहुत पर मैं आप लोगों की आपको भी नहीं पता तो आप लिख लीजिए, पता है तो लिख लीजिए नहीं पता तो लिख लीजिए मैं कर दूंगा। एलोंगेटेड सेल्स विच आर थिकेंड एट द टाइम ऑफ कॉमर्स, एट द टाइम एट द कॉमा एट द कॉर्नर्स है ना, ऐसे लॉन्ग सेल्स जो कहाँ पर होते हैं कॉर्नर पर ही होते हैं। द टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, द टू टाइप ऑफ टिश्यूज विच प्रोवाइड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व द मटेरियल फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, देखने आपको ये मेंशन इफ एन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, फ्लोएम सेल्स कैरी मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, कैरी मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम अदर लीव्स मतलब आप कौन सा देखना है इसका मैंने बताऊंगा। वेन्स ऑफ लीव्स है बहुत ज़्यादा पर दिमाग लगाना है अपना। द ओल्डर ज़ाइलम टिश्यू डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट, पता नहीं सही है गलत है। द स्पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, वो क्या स्पेरेन्काइमा क्या है बेसिकली, तो स्पेरेन्काइमा बेसिकली कैसा सेल है ये हमेशा डेवलप कर देगा, यानी इसको संडे को भी काम बुलाया करेंगे, ये बहुत अच्छा क्या उन्होंने चार्ट दे दिया बेसिकली, नहीं तो मुझे बनाना पड़ता कि प्लांट टिश्यूज में मेनली दो टाइप के टिश्यूज होते हैं मेरिस्मेटिक और परमानेंट, परमानेंट फर्दर तीन टाइप के होते हैं प्रोटेक्टिव सपोर्टिव कंडक्टिव। ठीक है, फिर प्रोटेक्टिव को बोलूँ मैं सपोर्टिव को बोलूँ फिर को और फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया तीन पार्ट में,
पेरेंकाइमा, करेंकाइमा और स्केलेंकाइमा। फिर स्केलेंकाइमा को स्केलेंकाइमा को दो पार्ट में बांटा गया, जाइलम एंड फ्लोएम। अब आते हैं एनिमल टिश्यू पर। तो एनिमल टिश्यू के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा।